सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गैंगरेप भी करेंगे, आप लोग हत्या भी करेंगे, तो 14 साल के बाद रेमिशन पे हम आपको बाहर छोड़ देंगे। कि इस देश के अंदर अगर आप मुसलमान हैं और आपका क्राइम कुछ नहीं है, तब भी हम आपको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम आपको जेल में रख सकते हैं। कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, तो आज अतिकुर रहमान को एक भी दिन और जेल में नहीं रहना चाहिए। उनको अनकंडीशनल उनकी रिहाई होनी चाहिए। क्या मुसलमानों को जो अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उनको 2 साल जेल में बिताना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इस चीज़ को सोचेगा कि हाँ पर्सनल लिबर्टी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज़। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से खालिद हो, चाहे सिद्दीकी कप्पन हो, चाहे अतिकुर रहमान हो, लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। UAPA जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं। आपको हाथरस का हत्याकांड याद होगा, दलित जो लड़की थी उसके साथ जिस तरीके से हुआ, रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको कवर करने जो लोग पहुंचते हैं उनके साथ क्या कुछ होता है, तो अभी उसी पर आज प्रेस क्लब में हमारे साथ मौजूद हैं कवल जी। जी उनसे ही जानते हैं कि मैम, पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से लगातार एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है, जिस तरीके से वो हत्याकांड सबको याद है कि लड़की का रेप हुआ था, उसके बाद जो हकीकतें सामने आई सबको पता है, उसके बाद जो सिद्दीकी कप्पन के साथ हुआ, अतिकुर रहमान के साथ हुआ, तो ये क्या कुछ है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गैंगरेप भी करेंगे, आप लोग हत्या भी करेंगे, तो 14 साल के बाद रेमिशन पे हम आपको बाहर छोड़ देंगे, जो हमने बिल्किस बानो के केस में देखा। और साथ ही में अगर आप सिर्फ अपने विचार रखने के लिए जाएंगे, अगर कोई क्राइम हुआ है आप उसके बारे में बात करने के लिए जाएंगे, अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने एक विक्टिम के पास जाएंगे, हाथरस के अंदर कौन नहीं गया था, हाथरस के अंदर जो हुआ उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक दलित महिला जिसके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद पूरी स्टेट की सपोर्ट के साथ, पुलिस के साथ रातों रात उनकी बॉडी को, उनकी लाश को जला दिया गया, उनकी बिना फैमिली को बताए। इस बात पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट ऑल्सो वेंट टू हाथरस, सब लोग वहाँ गए, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी गए, वो फैमिली से मिले। अब जब उसमें सिद्दीक कप्पन, अतिकुर रहमान और बाकी उनके अन्य साथी जो CFI से थे, और सिद्दीक कप्पन जर्नलिस्ट हैं, केरला के जर्नलिस्ट हैं, वो जब जा रहे हैं गाड़ी में, उन्हीं की गाड़ी को रोककर उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कि उनके जो पैम्फलेट्स हैं, जो CFI के पैम्फलेट्स हैं, और जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अपने पर्चे बांटते हैं, आप अपने थॉट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, उसको उन्होंने जब्त किया और उन्होंने कहा कि ये एक राइट दंगा कराने के लिए हाथरस में जा रहे हैं। और इस बेसिस पे 2 साल तक कली सिद्दीक कप्पन 703 दिन शायद उन्होंने जेल में काटे, 2 साल के बाद उनकी कल जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से, और अतिकुर रहमान जो उनके साथ थे अभी भी वो जेल के अंदर हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए क्योंकि अतिकुर की जो तबीयत है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनके लेफ्ट हैंड बिल्कुल चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कि आप उनको बेल दीजिए, उनकी जमानत करिए मेडिकल ग्राउंड पे, या जेल अथॉरिटी खुद इसका कॉग्निसेंस लेके उनको एक अस्पताल में भेजे, उनका इलाज कराए, उनको बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स में फंसाया जा रहा है, आप इसको चिट्ठी लिखिए, आप यहाँ भेजिए, ये करिए, और उनका इलाज भी ठीक से अभी हो नहीं रहा। पिछले साल ही उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा गया था, जब उन्होंने एम्स में वो भर्ती हुए थे, अपना इलाज कराया था। तो ये गंभीर मामला है। और दूसरा मामला ये साफ है कि इस देश के अंदर अगर आप मुसलमान हैं और आपका क्राइम कुछ नहीं है, तब भी हम आपको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम आपको जेल में रख सकते हैं। सिद्दीक कप्पन के केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल स्पष्ट पूछे कि क्या विक्टिम के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना गलत है और क्या इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन 2 साल लग गए ना जेल में, 2 साल उनको लगे तब बेल मिला, और उसमें भी स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है PFI CFI, ये कोई टेरर मॉड्यूल चला रही हैं, टेरर मॉड्यूल चला रही हैं तो आप की देश के ही अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन, आपने कभी बैन तो किया नहीं, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को आपको टारगेट करना है, उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनको आपको जेल में रखना है, ताकि आप अपना जो राजनीति है, जो आपकी राजनीति है जिसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनसे भी आप लोग उस सवालों पर बात ना करें, और मुस्लिम कम्युनिटी का जो
आप जिस तरह से उनको एक एनिमी बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका चलता रहे, तो ये अतिकुर रहमान के साथ हुआ। और सवाल सिर्फ साफ है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, तो आज अतिकुर रहमान को एक भी दिन और जेल में नहीं रहना चाहिए, उनको अनकंडीशनल उनकी रिहाई होनी चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक देश है तो वो इस बात को करेगा। स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी का उदाहरण दिया जाता है कि आप इतने बड़े, आप एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जेल के अंदर आपकी आपकी डेथ हो जाती है, आपको पूरा मेडिकल, आपको इलाज नहीं मिलता। बरबरा राव को अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला, मेडिकल ग्राउंड्स पे मिला, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। उनकी एज देखिए आप कितनी हो चुकी है। तो ये सारे लोग, प्रोफेसर हैनी बाबू, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो जेल में है, उनको प्रॉब्लम हुआ था आँख में, उसके लिए भी उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा पहले जेल अथॉरिटीज़ को लेटर लिखने पड़े, तब जाके उनको किसी हॉस्पिटल में भेजा, फिर उन्होंने कहा कि ये इलाज तो इस अस्पताल में हो नहीं सकता, फिर उनको कहीं और रेफ़र किया। तो ये तो जेल मैनुअल्स में भी नहीं है। तो इन क्रिमिनल, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है ना, ये वो लोग हैं जिनसे आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो क्या आप उनको जेल में डाल के इस तरह से पनिश करेंगे, ये सवाल है। क्या मुसलमानों को जो अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं उनको 2 साल जेल में बिताना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इस चीज़ को सोचेगा कि हाँ पर्सनल लिबर्टी है। आप खुद देखिए UAPA का कानून सिर्फ आज किन के ऊपर यूज़ किया जाता है। UAPA के कानून में कन्विक्शन होता ही नहीं है, कन्विक्शन रेट कम है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए, तब भी 2 साल मिनिमम अगर UAPA लग गया तो इस देश की जेल में आपको रहना है, और उसके बाद आपको कोई कोर्ट होगा वो आपको पर्सनल लिबर्टी और ये सब देके आपको बेल देगा। तो मिनिमम 2 years 3 years यू हैव टू स्पेंड। तो क्या ये लोकतांत्रिक देश में ये कानून जस्टिफाइड है, या इस कानून का यूज़ जस्टिफाइड है? यूज़ और कानून दोनों ही अनजस्टिफाइड है। तो UAPA को भी जाना चाहिए। संदीप कपान का बेल कल हुआ, ये बहुत वेलकमिंग है, और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि अतिकुर रहमान को भी रिहा किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, एक और दिन अगर अतिकुर रहमान अभी इस कंडीशन में जेल में बिता रहे हैं तो वो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ कवलजीत थी, जिस तरीके से लगातार चाहे तिस्ता सितलवाड़ हो, चाहे उमर खालिद हो, सरजिल इमाम हो, चाहे अतिकुर रहमान हो, सिद्दीकी कपन हो, मैं कितने नाम हैं जो इतने नाम मैं गिना दूंगी और आप गिनते गिनते थक जाएंगे, ऐसे लोग और ऐसे एक्टिविस्ट जो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, एक समान कानून की बात करते हैं और हमेशा सरकार से सवाल पूछते हैं, इस तरीके के पत्रकार और एक्टिविस्ट हमेशा से उनके ऊपर UAPA लगाकर हमेशा ही उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आखिर उनके गलती क्या है, आखिर उनकी आप सोचिए उनकी गलती क्या बताई जाती है कि उन्होंने सवाल किया है। आपको हत्याकांड याद होगा राहत रस का, जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ऐसी स्टोरी कवर करने जाने वाले सिद्दीकी कपन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सोचिए कि देश में लोकतंत्र किस तरीके से मर रहा है, सांसें गिन रहा है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, प्रेस क्लब, दिल्ली।